दोस्तों यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो है वो काफी बड़ी गिरावट जो है वो माहौल चल रहा है, तो कब रुकेगा सबके मन में यही सवाल है। तो दोस्तों उसका जवाब भी हम यहाँ पर ढूंढेंगे और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, ये 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में अपडेट दिया था, यहाँ पर जब हम खड़े थे ठीक है ये वाले एरिया के ऊपर 17,400 के आसपास उस टाइम पे भी बताया था, और एक 17,100 का जो लेवल था उस टाइम पे भी बताया था कि अगर ये 17,100 के नीचे जाता है तो यहाँ से भयंकर गिरावट हो सकती है 15,500 के आसपास के लेवल की। ठीक है, वो वीडियो जो है वो अभी भी YouTube के ऊपर अवेलेबल है। 1 महीने पहले आपको वीडियो जो है वो बना के बताया था, आपको हिंट दे दिया था कि ये जो है वो गिरावट हो सकती है। वो वीडियो अगर आपको देखना हो तो फ्रॉम लाइव मार्केट करके जो है वो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो हमारा एक ग्रुप है PTS कॉम्बो ग्रुप, यहाँ पर आप देख सकते हो। डेट यहाँ पर है, वो डेट के अंदर जो हमने क्या बात की थी ग्रुप के अंदर उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि जनरली मैं जो है वो ये ग्रुप के बारे में नहीं बताता, लेकिन आज जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चार्जेबल ग्रुप है, 18 अप्रैल, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। उसके अंदर सारे मैसेज जो है वो होते हैं, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल जो जो वीडियो हम बनाते हैं उसके मैसेज जो है वो मैं आपको बताते रहता हूँ। अब यहाँ पर जो आपको मैसेज जो है वो रीड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो है वो आने वाले समय के अंदर निफ्टी 50 में बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 17,300 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, यदि ये ब्रेक होता है तो ध्यान रखें काफ़ी बड़ी करेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। 17,300 का लेवल जो है वो दोस्तों ब्रेक करे, तब की बात की थी हमने 18 अप्रैल को, उस टाइम पे जो है वो हम ऊपर खड़े थे 17,400 के आसपास, वहाँ से जो है वो दोस्तों हमने बात की थी। और कौन कौन से लेवल है वो भी आप देख सकते हो, 16,900, 16,500, 16,250, 15,900, 15,550 और 15,250 तक भी हो सकता है। तो अभी जो है वो 750 के आसपास तो आ ही गए हम, तो यहाँ पर लगभग लगभग अब 200-400 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, इसका कारण अगर आप देखेंगे तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इंडिया के अंदर तकलीफ है, सब यही बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट का प्रॉब्लम है। और वो वैलिड रीजन जो है वो दोस्तों वहाँ पर भी मेंशन किया था कि ग्लोबल मार्केट का काफ़ी असर रहेगा, तो थोड़ा संभल कर चले। जब तक जो है वो 16,17,650 से 17,850 का लेवल ऊपर की तरफ वीकली क्लोजिंग ना करे निफ्टी में, तब तक अपनी पोजीशन कंट्रोल करनी चाहिए। आने वाले 2 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये दोस्तों मैसेज था, 18 तारीख का, यहाँ पर 19 तारीख है। तो दूसरे हमारे जो रेगुलर मैसेज होते हैं वो मैं उसके अंदर देता रहता हूँ, स्टॉक के भी कुछ जो है वो नाम बताते रहता हूँ कि F&O के अंदर, और जो ऑप्शन में अगर मौका मिले तो वहाँ पर भी जो है वो हम बात करते रहते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन होना हो दोस्तों वो ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वहाँ से आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर स्टोर का ऑप्शन होगा, वहाँ से अगर आप ज्वाइन होना चाहो तो हो सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट, अब फटाफट जो है वो चल लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 15,670 जो पुराना उसने लो बनाया था, एक बार वो लो काट सकता है। अगर उससे थोड़ा सा नीचे जाए तो इंट्राडे के अंदर जो है वो 15,450 के आसपास जो है वो जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट 670 से 15,450 आखिरी उम्मीद रहेगी। अगर हम ये वाले एरिया को काटते हैं तो वहाँ से जो है वो 15,000 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो ध्यान से सुनना, अगर 15,000 का जो लेवल है वो वीकली बेसिस के ऊपर मतलब अगले शुक्रवार को क्लोजिंग भी नीचे कर देता है 15,000 के नीचे, तो वहाँ से जो है वो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ से जो है वो 14,700, 14,300, 14,000 और 13,700 तक के जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करें अगर ये 15,000 का लेवल तोड़े तो। बाकी यहाँ पर जो है वो करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, यहाँ पर अब आप ये देख सकते हो कि एक वी शेप की रिकवरी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है वो लेवल जस्ट आया और गया, ठीक है वो टाइप के आपको यहाँ पर रेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं होती और ये वो लेवल काट देता है तो फिर हमें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ऊपर में कब एंट्री करें हम, तो अच्छे अच्छे स्टॉक के अंदर तो दोस्तों आप जरूर एंट्री कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 15,870 का जो लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर जाके रुके तब जो है वो हमें इसके अंदर एंट्री करेंगे तो थोड़ी सी जो है वो दिक्कतें नहीं होंगी, थोड़ा सा जो है वो हमें बेनिफिट होगा।
और जो भी दोस्त जो है वो रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो उनके लिए बता देता हूँ कि जब ये 16,080 का जो लेवल है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करें, वन डे का क्लोजिंग हो जाए, तो फिर अगर आप एंट्री करोगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। उसके ऊपर जो है वो आपको 16,250 मतलब 16,300 के आसपास का जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है, 16,500, फिर तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बॉटम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है वो आप ध्यान से समझना। आगे की बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं, उसमें भी अभी इसमें थोड़ा कामकाज थोड़ा ज़्यादा बाकी लग रहा है। यहाँ पर जो है वो पहला हम सपोर्ट लेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, वो रहेगा 33,000 के आसपास। अगर हम 33,000 का जो लेवल है वो काटते हैं, जिसकी उम्मीद लग रही है कि काट सकते हैं, तो फिर वहाँ से जो है वो 32,500, बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने एक वीडियो अपडेट दिया था दोस्तों, लाइव मार्केट से फ्रॉम लाइव मार्केट करके हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के जो वीडियो है वो अवेलेबल है, जाके जरूर देखना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। तो 32,155 32,000 का लेवल काटता है तो दोस्तों वहाँ से 31,500 31,000 का जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। 32,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग होने का मतलब है दोस्तों वहाँ से लगभग लगभग 31,500 31,000 30,500 30,000 29,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये प्रॉबेबिलिटी है जिसकी संभावना अभी के हिसाब से 5% है। ठीक है, वो भी बता रहा हूँ, 5% संभावना है, बाकी हम जो है वो 31,500 31,800 के आसपास के लेवल से जो है वो वापस हो सकते हैं, या तो फिर 32,000 का लेवल जो है वो एक बार जस्ट काट के फिर तुरंत वहां से जो है वो बाउंस कर सकते हैं। अगर बाउंस नहीं होता है, वीकली क्लोजिंग ये वाले लेवलों के नीचे होता है दोस्तों, तो फिर समझ जाना कि यहाँ से बड़ी वाली गिरावट होगी। जैसे निफ्टी में 15,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप 32,000 ये मान के चलो, वहां पर फिर 13,700 का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर लगभग लगभग 29,000 29,500 के आसपास के लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की बात करें तो 33,500 पहला लेवल है, पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, 33,500 के ऊपर जाके रुकना काफ़ी ज़रूरी होगा। अगर हम ये वाला लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काटते हैं, सस्टेन करते हैं, तो ही जो है वो हमें ऊपर की एंट्री लेनी चाहिए। ऊपर में अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी कुछ भी बाय करते हो दोस्तों, तो आप जो है वो अपनी पोजीशन को जरूर हैज कर लें। हैज कैसे करते हैं वो हम हमारे ग्रुप के अंदर बताते हैं। ग्रुप जो है यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, वो वाले ग्रुप के अंदर जैसे ये मैसेज होता है, तो वहाँ से दोस्तों अलर्ट मैसेज दे दिया था कि यहाँ से जो है वो आप दूर रहो मार्केट से। ठीक है, तो आपको जो है वो फायदा रहेगा। या यहाँ पर आप पूरा हिंदी में ये दोस्तों सभी लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जरूर देख सकते हो आप कि वीकली क्लोजिंग जब तक ये वाले लेवल के ऊपर ना आए तब तक पोजीशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने तो दोस्तों मना ही किया था कि मत करें, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को ये होता है कि उनको जो है वो कुछ ना कुछ करना रहता है, मतलब काम तो करना ही होगा, बटन तो दबाना ही होगी, ये एक थोड़ी सी आदत हो जाती है हमारी। तो आप जो है वो ज़रूर दोस्तों अगर सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो PTS कॉम्बो ग्रुप है दोस्तों वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो हमारा स्टोर है यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, वो इंटरफेस के ऊपर जो है वो आपको यहाँ से ये PTS कॉम्बो जो ग्रुप है वहाँ पर ये इसका प्राइस है, और यहाँ से आप जो है वो लर्निंग भी कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो लाइव अपडेट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो लाइव अपडेट के साथ साथ जो है वो आप सीख भी सकते हो चार्ट कैसे पढ़े, लर्निंग कैसे करें, और वहाँ पर जो है वो मैसेज भी मैं आपको अलर्ट मैसेज देता हूँ, काम करना नहीं करना वो आपके ऊपर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।